नमस्कार, केपी एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अश्विनी। चलिए अब केपी एक्सप्रेस कर्नाटक की सुर्खियों पर एक नजर डालते हैं। विधायक सब बीजेपी विधायक अरविंद बेलदाड़ का कहना है कि यूक्रेन में कर्नाटक के लड़के के शव के बजाय और छात्रों को लाया जा सकता है। आईआईएससी शोधकर्ताओं ने चिप की कमी को दूर करने के लिए मजबूत उच्च वोल्टेज ऑटोमोटिव प्रौद्योगिकी मंच विकसित किया। बिटकॉइन ड्रग्स मामले में बेंगलुरु पुलिस ने 11 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दायर की है। मेकेदातु परियोजना के लिए 1000 करोड़ रुपए निर्धारित, राज्य के बजट में कोई नया कर प्रस्ताव नहीं, कहा मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने। नवीन की मौत नीट के बेशर्म चेहरे का प्रतिबिंब है, कुमार स्वामी ने कहा। बोम्मई 4 मार्च को पेश करेंगे 2022-23 का बजट। बैंक ने कर्नाटक के संपत्ति कार्ड की वैधता पर सवाल उठाए। 2023 में सत्ता में आने पर जनता दल एस नीट के खिलाफ विधेयक पारित करेगा, एचडी कुमार स्वामी ने कहा। चलगेरी गांव में नवीन के पार्थिव शरीर का इंतजार जारी। अधिक छात्र यूक्रेन से लौटे, अपने परिवारों में शामिल हुए। मुजराई हज और वक्फ मंत्री शशिकला नाजाहिर जोले ने कहा कि बजट में सी ग्रेड मंदिरों में पुजारियों के स्वाद भत्ते को बढ़ाया जाएगा। दांदेली साइकिल हादसे में छत्तीसगढ़ की महिला की मौत। शिवमोगा में हमले से एक व्यक्ति घायल। बेंगलुरु में फ्रीडम पार्क में ही हो सकता है विरोध प्रदर्शन, कर्नाटक हाई कोर्ट ने दिए निर्देश। कर्नाटक यूक्रेन से निकाले गए मेडिकल छात्रों के लिए ऑनलाइन कक्षाओं पर विचार। क्या वरिष्ठ अधिवक्ता आदित्य सोंधी ने उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में पदोन्नति के लिए सहमति वापस की। बेंगलुरु में सरजापुरा को हेब्बल से जोड़ने के लिए सरकार 37 किलोमीटर लंबी मेट्रो लाइन विकसित करेगी। ईसाई समुदाय के लिए 50 करोड़ रुपए आवंटित। अल्पसंख्यक कल्याण योजनाओं के तहत एक ही स्थान पर कई आवासीय विद्यालयों का विलय करेगी सरकार। मडिकेरी चिकमंगलूर और हम्पी में विकसित किए जाएंगे हेलीपोर्ट। केपी एक्सप्रेस कर्नाटक में अब तक इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज ताजा खबरों के लिए। धन्यवाद।